वर्किंग स्टाफ में यंग एज में सबसे ज्यादा कॉमन इधर मसल स्ट्रेन, मसल स्ट्रेन या लिगामेंट स्ट्रेन के होते हैं। वो इसलिए ही होते हैं क्योंकि हम लोग अपने मसल्स को यूज नहीं कर पाते। हेलो एवरीवन, दिस इज विदुषी एंड यू आर वॉचिंग द गुड हेल्थ शो। बैक पेन किसको नहीं होता, एंड ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो किसी को कभी भी हो सकती है। एंड टू रेज अवेयरनेस अबाउट इट, वी हैव डॉक्टर संजय दाहिया जी विद अस टू टॉक अबाउट इट। सो सर, हेलो, हाउ आर यू? सर, बैक पेन एक ऐसी प्रॉब्लम है जो बहुत ही ज्यादा परेशान कर रही है, और मुझे लगता है कि सिर्फ यूथ ही नहीं या फिर ओल्ड एज ही नहीं, ये किसी को भी हो सकती है, क्योंकि आज के टाइम में पूरा पूरा दिन ऑफिस में बैठना पड़ता है और उसकी वजह से शाम को जो हालत होती है, इनफैक्ट अब तो ऑफिस में बैठना भी मुश्किल हो गया है, पूरे बैक में पेन हो जाता है। हम बोल सकते हैं कि लोअर बैक हो चाहे ऊपर वाली बैक हो, पूरे में एक अलग सी स्टिफनेस फील होती है। तो सर, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगी कि इस बैक पेन से हम कैसे राहत पा सकते हैं और कॉजेज क्या क्या है इस बैक पेन? वेरी ट्रू, यू हैव टच द वेरी राइट टॉपिक। मैक्सिमम नंबर ऑफ पेशेंट जो हमारे पास आते हैं ऑर्थोपेडिक से नॉर्मली बैक पेन के ही होते हैं। हाँ जी, और 80% ऑफ पीपल अपने लाइफ में कभी ना कभी बैक पेन से जुड़े होते हैं, आइदर वंस ट्वाइस और मे बी मोर देन दैट। दो तीन वैरायटी की होती है, एक्यूट बैक पेन होती है, क्रॉनिक बैक पेन होती है। एक्यूट होती है जो अभी हुई हो, कुछ हफ्ते चले और ठीक हो जाए। क्रॉनिक होती है जो 12 हफ्ते से ज्यादा हो जाए। कॉमनेस्ट रीजन इसका आप देखिए, जो यूथ में है उसमें जो डिस्क होती है हमारे वर्टिब्रा के बीच में स्पाइन में, वो चाहे सर्वाइकल एरिया में हो चाहे लोअर बैक में हो, लंबर एरिया में डिस्क के कारण जो प्रॉब्लम होती है वो प्रोड्यूस कर जाती है या कोलैप्स कर जाती है। उसके बाद जो आता है रीज़न, जो सबसे कॉमन रीजन है, मसल स्ट्रेन होता है, मसल स्ट्रेन होता है, लिगामेंट स्ट्रेन और स्ट्रेन होता है, ये कुछ एक कारण है जो इसके सबसे कॉमनेस्ट रीज़न होते हैं। अदरवाइज तो देखिए, यूथ के बाद अगर आप थोड़ा एजेड में जाएंगे तो उनके आर्थराइटिक चेंजेज आने लग जाते हैं फैसेट जॉइंट में। फैसेट वो जॉइंट होता है जो वर्टिब्राज को कंबाइन करता है, या उनमें डिजेनरेटिव चेंजेज आ जाते हैं डिस्क में, ऑस्टियोफाइट्स बनने लग जाते हैं, और आजकल जैसे एंकलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के कारण से भी पेन हो जाता है। लेकिन अगर पेन बहुत लंबा रहता है, दवाइयों से ठीक नहीं होता है, तो फिर हम कई और रीजंस उस पर हम लोग सोचते हैं और विचार करते हैं। लेकिन सबसे कॉमन रीजन जो आप बता रहे हैं, यूजुअली वर्किंग स्टाफ में यंग एज में सबसे ज़्यादा कॉमन रीजन मसल स्ट्रेन, मसल स्ट्रेन या लिगामेंट स्ट्रेन के होते हैं। वो इसलिए ही होते हैं क्योंकि हम लोग अपने मसल्स को यूज़ नहीं करते। हम लोग सारे दिन बैठे रहते हैं, हम लोग प्रॉपर डाइट नहीं लेते, हम लोग वक्त पे खाना नहीं खाते, हम लोग प्रॉपर स्लीप नहीं लेते। ये सारे फैक्टर्स एक तरीके से जाकर इस सब चीज़ों को एक्युमुलेट करके हमें इस कंडीशन में ले आते हैं कि हमें बहुत सीवियर सर्वाइकल या लोअर बैक पेन या जनरलाइज बैक पेन शुरू हो जाती है। सर, एक जैसा आपने बताया कि हम मसल्स का ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं और उसकी वजह से बैक पेन का एक मेन रीज़न है, और एंड जो सर्वाइकल पेन होता है, मुझे लगता है कि हर एक बंदे को इस टाइम पर सर्वाइकल पेन है, लाइक एवरी सेकेंड पर्सन हैव दिस प्रॉब्लम। तो आप इसके बारे में थोड़ा सा अवेयर करना चाहेंगे? ठीक कह रहे हैं, सर्वाइकल स्ट्रेन बहुत कॉमन है इस समय। ये इस कारण से कि हम लोग जैसे आजकल ऑफिस में वर्किंग आवर्स बहुत लंबी है, कंप्यूटर में बैठे रहते हैं, हमारा सिटिंग पोस्चर गलत है, हम लोग मोबाइल देखते हैं तो हमारा जो नेक की मूवमेंट और डाउन रहती है, हम लोग करेक्ट पोस्चर में नहीं रहते। कंप्यूटर में बैठे होते हैं जब करेक्ट पोस्चर में नहीं होते, उसका फिजिकल एक्सरसाइज हम करते नहीं, उन मसल्स की हम टोनिंग नहीं करते, उन मसल्स की हम स्ट्रेचिंग नहीं करते। ये कारण है कि ये इस चीज़ को लीड करता है, या कई बार स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी हो या जिसमें सडन जर्की मूवमेंट्स हो जाए, वो डिस्क कोलैप्स का एक रीज़न हो जाती है, या कोई ट्रॉमा होता है। सबसे कॉमन रीज़न मसल्स पे मसल स्ट्रेन है, और उसका कारण यही है कि हम लोग अपने आप की जो हमें दिनचर्या में एक एक्सरसाइज को लाना चाहिए वो हम नहीं ला रहे हैं। So, अगर बात करें कि उन लाइफस्टाइल चेंजेस की, या फिर लाइफस्टाइल में हम कुछ ऐड ऐसा कर सकते हैं कि ये प्रॉब्लम हमें ना हो, तो जैसा आपने बताया कि एक्सरसाइज इज द मेन थिंग, और ऐसे क्या क्या चीजें हम अपनी लाइफ में ऐड कर सकते हैं? देखिए, बास्केट जी, यू शुड हैव प्रॉपर स्लीप, ओके, यू शुड हैव प्रॉपर डाइट एट प्रॉपर टाइम, योर वेट शुड बी हेल्दी इनफ
neither overweight nor underweight. Then is exercise or physiotherapy, or you call it stretching of these muscles which are attached to the spine. Like for upper, आपको cervical muscles हैं जो आपके गर्दन के आसपास जितनी भी हैं, उनकी hardly exercise takes 2 to 3 minutes or 5 minutes maximum. आप stretching कर लीजिए, कोई vigorous exercise की जरूरत नहीं है. Same जो lower back है उसके लिए core strength कहते हैं जिसको, abdominals को और paraspinal muscles जो lower की हैं उनको strengthen कर लीजिए. वही करिए, उनको stretching करिए और थोड़ी सी exercise कर लीजिए with little weight. ये चीज़ें आपको लाइफ लॉन्ग आपके फायदे में रहेंगी. आपको जो रेगुलर एक फीचर हो चुका है कि वाई वी आर लिविंग वर्किंग आवर्स, वी कम लेट, वी गो अर्ली, वी आर अनेबल टू अटेंड द ऑफिस, कॉमनेस्ट रीजन आज के लिए ही हो गया, बैक पेन, बैक एक, शोल्डर एक. तो इन सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए दीज थिंग्स आर बेस्ट. ट्राई टू इंकल्केट द बेस्ट पॉसिबल हैबिट्स. आपका डेली की जो दिनचर्या है उसको अच्छा करिए. डेली एक्सरसाइज को एक रूटीन पार्ट बनाइए अपना. जैसे खाना एक रूटीन पार्ट है हमारे लिए, ऐसे ही एक्सरसाइज शुड बी डेली, एटलीस्ट 5 डेज इन अ वीक आपको जरूर करना चाहिए. ओके ओके, एक्सरसाइज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए और हेल्दी बॉडी के लिए. सर एक क्वेश्चन है, वो ये है कि व्हेन शुड अ पर्सन सीक मेडिकल ट्रीटमेंट. ऐसा कौन सा पॉइंट आता है हमारी बॉडी में कि ऐसा कौन सा वार्निंग साइन होता है कि तब तो हमें ट्रीटमेंट ले ही लेना चाहिए. ठीक पूछ रहे हैं आप, क्योंकि कई बार क्या होता है हम ऑन द काउंटर रेमेडी करना शुरू कर देते हैं. हाँ जी, हर एक को पता है मुझे पेन है तो मुझे एनाल्जेसिक टैबलेट लेनी है, ले लेते हैं, जेल लगानी है लगा लेते हैं. लेकिन आई वुड सजेस्ट कभी भी ऐसी दिक्कत हो प्लीज एक बार डॉक्टर को जरूर दिखाइए, ताकि वो एग्जैक्टली ये डायग्नोज कर सके आपको प्रॉब्लम किस कारण से है और उसका इलाज कर सके. स्पेशली जब आपका ट्रीटमेंट करने के बाद भी घर में आप जो नुस्खे अपना रहे हैं उसके बाद भी आपको रेमेडी नहीं मिलती, आपका इलाज नहीं हो पाता, आप ठीक नहीं हो पाते, या आपका पेन एग्रीवेट कर रहा है, या आपका पेन के साथ साथ आप में न्यूरोलॉजिकल फीचर्स आ गए हैं, जैसे कि आपको रेडिएटिंग पेन है, हाथ में पेन है, या रेडिएटिंग लेग में पेन है, या आपको वॉक करने में दिक्कत आ रही है. कई बार जो डिस्क होती है वो आपके स्पाइनल कॉर्ड को इतना ज़्यादा कंप्रेस कर देती है कि न्यूरोमस्कुलर सिम्टम्स आ जाते हैं, हैंड में वीकनेस हो जाती है, लेग में वीकनेस हो जाती है. उस स्टेज में आप जरूर एक बार डॉक्टर को कंसल्ट करिए, जब भी ये पेन आपका आपके घरेलू नुस्खों से ट्रीट नहीं हो पा रहा. ओके, कि अगर बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम हो रहा है और आपको लग रहा है कि छोटी छोटी जो हम रोज में होम रेमेडीज यूज करते हैं या फिर हमसे अनबेरेबल पेन हो रहा है, तो हमको उस सिचुएशन में हमें डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करना चाहिए. और स्पेशली लंबा टाइम हो जाए तो भी जरूर करना चाहिए, क्योंकि पेन के रीजन बहुत है. हाँ जी, डॉक्टर कैन ओनली रूल देम आउट वन बाय वन. बिल्कुल सर. एंड सर, व्हाट आर सम ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट्स फॉर बैक पेन? See, as I already said, the most effective is, I always use the word, motion is lotion. Okay. Keep moving your body parts. Let it be your spine, जैसे कई बार कहते हैं कि कमर में दर्द हो गया, मैं बेड रेस्ट कंटिन्यूअसली लूंगा. नहीं, बेड रेस्ट लीजिए जी, एज पर डॉक्टर एडवाइस. 2 दिन का भी हो सकता है, 4 दिन का भी हो सकता है, हफ्ते का भी, लेकिन उसके बाद स्टार्ट मोबिलिटी. आप जितना मोबाइल रहेंगे उतना ही आपके बॉडी के लिए अच्छा रहेगा. Let it be not only your spine, for your ankles, for your knee joint, for your hip joints. तो सबसे जरूरी चीज है motion में लाना है body को. Second thing is physiotherapy, stretching, exercises. Third remedy is your analgesics जो आप लेते हैं, NSAIDs लेते हैं हम लोग, local application करते हैं. Then you can go in for massage therapy, but under controlled supervision of a trained physiotherapist or a doctor. Even after that you are not getting cured or there is still problem, then doctor may go in like lower back pain hai, to they going for epidural injections, or by chance aapka itna dikkat aa gayi hai ki nerve compress ho rahi hai aur aapke neuromuscular symptoms badh rahe hain, kai baar bile bladder involvement badh ho jati hai, to then they may go in for surgery also to remove that part of the disc. But there is one more remedy now which is coming up very fast, especially in Western countries, PRP treatment. Okay. It is for spine also now.
It is platelet-rich plasma. It's a part of a basket of orthobiologics. Orthobiologics. Biologics means healing from your own part. So what they do is they take out blood from your body, they separate the platelets from that part by centrifuging it, and they inject the same platelets into your body so that number of growth factors and other immunomodulator things which should improve the functioning of the body and try to repair the damaged part, they are concentrated at a particular part and they help out in recovery. Okay. So, this orthobiologics, you have told me about it. And I think that this time is a very effective treatment. Yeah, it is something in which you know your own body is supporting your own improvement in your own health. We call it orthobiologics or regenerative medicine. Especially in knee joint, it is being considered as one of the most developing treatments, especially in Western world, in India also now, and especially for sports injuries. Like sports person, they have usually tennis elbow, golfer's elbow, or they have weak Ewen's disease, plantar fasciitis, some ligament injuries, ankle sprains. These are the persons who have to be active. So to make them recover without surgery and to keep them active, these are the procedures which are being done. The same I told you, platelet-rich plasma is being bought, then the recovery becomes very fast. Your own body cells, they regrow the damaged part of the body at the earliest. You are same as you were earlier and without any side effect. It is just a treatment. You come to the hospital, give 1 hour, you are again back in the same condition. You don't have to stay there, no major surgery, nothing at all. Just small injection has to be given. For osteoarthritis especially, there is one more with PRP, stem cell technique is there. Because see, as osteoarthritis is one of the most commonest problem people are facing nowadays. It's a degenerative disease. What happens in osteoarthritis is there is a cartilage which covers the bone. This cartilage basically acts as a cushion when you walk. This cartilage starts getting degraded. It weans off slowly, slowly, and the bone gets exposed. When the bone exposed, there is pain, swelling, tenderness. So there are four types of stages. Stage one is in osteoarthritis, aap physiotherapy kariye, apna quadriceps muscles and the muscles surrounding the knee and the hip also. Inko strengthen kariye, aap theek ho jaye. Aapko kisi cheez ki zarurat nahi. Stage 2 and 3 mein you going for orthobiologics, either PRP or stem cell. What studies are saying and researches are saying and what people are seeing in this is they try to regrow your cartilage. They try to delay your replacements because that is the end stage. After replacement, there is nothing. Yes. And it is the OPD procedure or single hardly indoor for 4 or 5 hours. Jeez. Sir, when we talk about back pain, so what fruit or what food and what what drinks should be avoided? Good question indeed. See, as I told you, healthy lifestyle, healthy food, no trans fatty food, burgers, pizzas, you should avoid them. Alcoholic drinks beyond a limit, smoking, nicotine is very bad for it degenerates the disc very fast. So these kind of things, have good healthy diet, going for fruits, green leafy vegetables, normal diet. And avoid high sugary foods which are a lot of sugar in there. Okay. These things should be. And what about tea and cold drinks? See, same thing happens. Nicotine is there, caffeine is there. So, up to a limit it is fine. In moderation, things are fine. Don't go in excessive things. Okay, so 1 or 2 cup of tea in a day is okay. Not beyond that. Okay, and cold drink at least we don't support. Like, cold drink has got a lot of sugar in it. So you should avoid it. It's carbohydrate treatment. It damages the body. Okay. Some way or the other. And what are some of the most common misconceptions that patients have about back pain and about cervical pain?
कुछ ऐसे मिसकंसेप्शन आपके पास आते होंगे, तो वो क्या है ऐसा कुछ आप लाइक? आई टेल यू मिसकंसेप्शंस. बेसिकली व्हाट पीपल फील इज कि बैकएक होगी, सर्वाइकल की आई हैव सीन मेनी, कुछ रेस्टोरेंट्स में कई बार हो जाती है. दे गो टू पीपल कि हम चनक तुड़वा रहे हैं या सब मसाज करवा रहे हैं. टाइम्स इफ पर्सन इज नॉट ट्रेंड एंड ही इज नॉट अ क्वालिफाइड पर्सन. आई हैव सीन इन माई लाइफ in my career, people getting dislocation, okay, and then ultimately paralysis of their own lives. Okay. So one has to be very, very careful when you go to such people. Be very vigilant regarding the people. Always go to a person who is very well qualified. Okay. Secondly, anything going beyond 3 or 4 weeks, you have tried your home remedies or on the counter drugs, please go and consult a doctor. Let him go to the depth of it and let him find out. Except for these, there can be tuberculosis spine also. There can be some fracture, some osteoporosis, there can be some malignancy. Mm-hmm. There are multiple reasons. Mm-hmm. Then you are thinking it's a backache. Ultimately, you realize it was not because of spine, it is renal stone. Mm-hmm. It is PID, pelvic inflammatory disease, which is causing you back. So there are multiple things which will go into the mind of a qualified person and he will diagnose and treat it. So when that stage comes, you should surely go to the doctor. Okay, so this is very, very serious problem. लोग ऐसा करते हैं कि वो खुद से और जो massages कराते हैं and they are like not so much educated about it. So हो सकता है कि उससे ठीक हो जाए, but काफी सारे chances हैं कि बहुत problem भी create हो जाए. Okay, so always consult the doctor जिसको इस चीज की knowledge है. बिल्कुल सर. एंड अभी ऐसा आपने बताया कि न्यू ट्रीटमेंट्स टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, अभी ऑर्थोबायोलॉजिक्स के बारे में आपने बताया, तो बैक पेन को लेकर इस टाइम पर सबसे ज्यादा अफेक्टिव कौन सा टेक्नोलॉजी या ट्रीटमेंट हम मान सकते हैं? सी, सबसे इफेक्टिव उससे पूछेंगे, मैं तो आपको एक्सरसाइज ही दूंगा. आई एम अ कंजर्वेटिव सर्जन. आई फील कि देखो, अपनी हेल्थ को अपने आप ठीक करो एंड 99% आपकी बीमारियां अपने आप से ठीक हो जाती हैं. यू डू नॉट गो फर्दर. ओके सर, अभी आप जैसे बोल रहे हैं और आपने बार बार इस चीज को बहुत मेंशन किया कि एक्सरसाइज बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, मैं चाहूंगी कि आप कुछ एक्सरसाइज आप मुझे बताएं, हम अपने जिससे ऑडियंस को बता पाए कि ये एक्सरसाइज अगर आप करते हैं तो आपको अच्छा फील होगा एंड आप इन प्रॉब्लम से भी दूर रहेंगे. कुछ ऐसे आई टेल यू फ्यू फंडामेंटल्स ऑफ द एक्सरसाइज. कभी भी एक्सरसाइज करें, बॉडी को वार्म अप करके करें. सबसे पहले एक्सेसिव ना करें, बहुत धीरे धीरे करें, सिंपल स्ट्रेचिंग्स करें. आप ये मत सोचिए कि मेरे को बहुत ज़्यादा दर्द है और मैं एकदम आज ही सब कुछ कर लूँ और मैं ठीक हो जाऊँगा. इट विल अननेसेसरी एग्रीवेट करते हैं. स्लो एंड स्टडी ऑलवेज विंस द रेस, लेट इट बी एनीथिंग इन लाइफ. सो ऑलवेज गो वेरी स्लो एंड स्टडी. यू नो, यू कैन सी एक्सरसाइजेज ऑन यूट्यूब वीडियो एवरीवेयर, दे आर अवेलेबल. बट फंडामेंटल इज डोंट ट्राई टू डू देम इंस्टेंट and with vigorosity. That is the basic fundamental they should learn. So stretchings are the best one. Let it be for neck, let it go back. I don't have a chart right now, I would have showed you otherwise. But these are things one should be very careful about. It should not be ulta pad gaya. I've seen many people, कई लोग कहते हैं जैसे नहीं मैं तो आज ही ठीक कर लूँगा, आपको इसको जो वर्जित पता तो देगा नहीं, आज आप ठीक नहीं करेंगे. आप इसको टाइम दीजिए, 2-3 हफ्ते लगेंगे फॉर एक्सरसाइजेस टू शो इट्स इफेक्ट. बिल्कुल, तब वो आपको इफेक्ट आएगा उसमें. पर उसको कंसिस्टेंट रहिए. कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट. कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड देयर इज नो शॉर्टकट कि मैं आज जाकर ऑपरेशन करा लूँ और मैं करा लूँ मैं ठीक हो जाऊंगा. नो, देयर इज नो शॉर्टकट. यू हैव टू रियली वर्क हार्ड ऑन योर बॉडी. सर, जब हम नी की बात करते हैं तो अभी एक टर्म आ रहा है बहुत ज्यादा सामने, नी ऑस्टियोआर्थराइटिस, OA जिसको बोलते हैं. सो हाउ इट डेवलप्स एंड क्या ट्रीटमेंट है? सी, ऑस्टियोआर्थराइटिस नी इज अ वेरी वेरी कॉमन प्रॉब्लम अगेन इन ऑर्थोपेडी. इट्स अ क्रॉनिक डिजेनरेटिव डिजीज. ओके, व्हाट हैपेंस इज एवरी बोन, स्पेशली नी बोन, हैज गॉट अ कार्टिलेज एट द एंड व्हिच एक्ट्स एज अ कुशन. ओके,
So in osteoarthritis, what happens is that cartilage starts degenerating and weaning off. So it has got four stages, I earlier said. 1, 2, 3, 4. Four is the end stage of arthritis, one is the beginning. In the beginning, and the reasons why it starts is, see, there are multiple reasons. Somebody is overweight, somebody has got some injury some long time back, or your working is such, you put a lot of pressure on your knee, like jogging, or some work where you have to bend and lift something, where your knees again and again you have to squat. That kind of problem can be there. And people who are having diabetes, they also suffer more from this. So these are the commonest reasons because of which osteoarthritis. I personally feel it has started coming. It used to be a disease of 50 plus or 60 plus usually earlier. Now I see patients who are coming 35 plus who are suffering from it. So I personally feel, as I already said, motion is lotion. You start moving. लोगों में मिसकंसेप्शन है कि जोड़ों में दर्द है हम हिलेंगे नहीं. नहीं, आप जितना मूव करेंगे उतना लुब्रिकेंट प्रोड्यूस होगा जॉइंट में, उतना ही बेटर रहेगा. एंड स्टार्ट फिजियोथेरेपी अलोंग विद मूवमेंट्स. एंड सर, क्या सिम्टम्स रहते हैं नी ओए में? नी ओए में जैसे आपको बताया मैंने, कार्टिलेज डिजेनरेट कर जाता है, बोन टू बोन एक्सपोज होने लग जाती है. तो इनिशियली ये होता है आपको पेन होता है जॉइंट में, आप थोड़ा लंबा चलते हैं तो दर्द होता है, सीढ़ी चढ़ते उतरते हैं तो दर्द होता है, आप कुकड़ू बना के नहीं बैठ सकते, उसका टेंडरनेस आ जाती है, स्वेलिंग आ जाती है, और जब आप घुटना मोड़ते हैं सीधा करते हैं तो क्रैपिटस सा आता है, एक आवाज सी आती है आपकी, और उसके बाद कई डिफॉर्मिटी डेवलप होने लग जाती है आपकी, आपकी मूवमेंट्स रिस्ट्रिक्टेड हो जाती हैं. ये सारे सिम्टम्स साइंस में आते हैं. सर, अगर बात करें कि ऑर्थोबायोलॉजिक ट्रीटमेंट की, तो वो कैसे ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट्स जो होते हैं नी ओए के, उनसे कैसे डिफरेंट है? इट्स अ वेरी राइट क्वेश्चन आज के टाइम में. ठीक है, आपको बताया ऑस्टियोआर्थराइटिस नी में इनिशियली आप शुरू करिए अपना एक्सरसाइज फिजियोथेरेपी से, अपना वेट रिडक्शन से. इफ़ यू आर सफरिंग फ्रॉम एनी क्रॉनिक डिजीज तो उसको कंट्रोल करिए, शुगर कंट्रोल करिए. इनके बाद नहीं होता देन पेन किलर, देन जैसे एक्सी आती हैं. देन पहले क्या करते थे, जॉइंट में स्टीरॉयड इंजेक्शन देते थे, जो कि बेसिकली अब स्टडीज यही कह रही हैं कि जॉइंट को डीजनरेट कर रहे हैं, नुकसान ज़्यादा देते हैं. हाइलोरोनिक एसिड देते थे, इट इज़ अ सिंथेटिक कंपाउंड, वो एज अ कुशन काम करता है कुछ समय के लिए, देन इट गेट्स एब्जॉर्ब. सो द रोल ऑफ ऑर्थोबायोलॉजिक्स का, इट इज बेसिकली इन टू वे बेसिकली ज़्यादा आजकल, टू आइदर पी आर पी और स्टेम सेल, इस दो तरीके से ज़्यादा आजकल चल रहा है. पी आर पी में आपके ही ब्लड लेके आपके ही प्लेटलेट्स को इकट्ठा कर देते हैं उसमें, और उन प्लेटलेट्स के कंसंट्रेटेड क्वालिटी ऑफ प्लेटलेट इज वेरी इंपॉर्टेंट. एवरी पी आर पी विल नॉट गिव यू सेम रिजल्ट. देखिए, हर चीज़ की क्वालिटी होती है. आप गाड़ी का टायर भी लेते हैं, अगर अच्छी क्वालिटी का लेंगे तो इट विल रन फॉर 50,000 किलोमीटर, लोअर क्वालिटी लेंगे 10,000 किलोमीटर चलेगा. सेम विथ गुड क्वालिटी ऑफ पीआरपी शुड बी देयर, गुड क्वालिटी ऑफ रिक्वायर्ड प्लेटलेट शुड बी देयर. वो आप ज्वाइंट में इंजेक्ट करते हैं, वो ज्वाइंट का एक जो एनवायरमेंट है ना, जो टॉक्सिन वहाँ पे बने हैं उसी को चेंज कर देता है, उसको एक कंड्यूसिव एनवायरमेंट देता है. वहाँ पे ग्रोथ फैक्टर्स आते हैं, आपके अदर हार्मोन्स आते हैं जो आपके कार्टिलेज को जॉइंट को रीग्रो करने में मदद करते हैं. वो आपका पेन खत्म हो जाता है, इन्फ्लेमेशन खत्म हो जाता है, ताकि आप वॉक करना शुरू कर देते हैं, एक्सरसाइज करनी शुरू कर देते हैं. तो मल्टीपल फैक्टर से आपको बहुत असर आता है. न्यू स्टडीज एज वेल रिसर्चेज आर शोइंग, स्पेशली इन वेस्टर्न वर्ल्ड इट इज बीइंग डन वेरी कॉमनली. अच्छा, आपका जो डीजनरेटिव मेनिस्कस डैमेज होता है आपका 40-45 एज के बाद, उसमें भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं उसके, दे आर गिविंग वेरी गुड रिजल्ट्स. सो वी कैन से लाइक ऑर्थोबायोलॉजिकल इज वेरी वेरी बेनिफिशियल राइट नाउ. वेरी बेनिफिशियल बिकॉज इट्स एन ओपनिंग प्रोसीजर. आप आ रहे हैं, आपके शरीर का ही कुछ ब्लड लेके उसी को प्लेटलेट्स को आपको वापस इंजेक्ट कर रहे हैं, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई डैमेज नहीं है, कुछ भी नहीं है. देन इज द स्टेम सेल. स्टेम सेल में अभी रिसेंटली आई थिंक 3-4 मंथ्स बैक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी अप्रूव करा है,
स्पेशली फॉर ऑस्टियोआर्थराइटिस नहीं, दैट्स सिंगल इंजेक्शन जो इंजेक्ट करते हैं और वो ग्रेड टू और ग्रेड थ्री में जो कंपनी भी क्लेम करती है इट्स वेरी वेरी इफेक्टिव एंड इट देयर स्टडीज जो कि आपका कार्टिलेज रीग्रो कर रहे हैं और आपको रिप्लेसमेंट से बचा रहे हैं और रिप्लेसमेंट इज अ वेरी मेजर सर्जरी. हर मेजर सर्जरी का देखो अपना ही जो नुकसान है वो तो होता ही है और शरीर का जो हिस्सा है मैं ये कहता हूँ कि जो चीज़ आप पे उसको रिटेन करें उसको रीग्रो करें जब तक भगवान ने दी है जितना लंबी चल सकती है उसको चलाएं. दैट इज द लास्ट थिंग उसको बदलवाना. और मैं अभी आपसे सोच रही थी पूछना कि सर आपने होम रेमेडीज की बात की है तो कोई होम रेमेडी बताइए, लेकिन मुझे लग रहा है कि एक्सरसाइज इज द ओनली होम रेमेडी. एक्सरसाइज हल्दी इज अ वेरी गुड थिंग. ओके टर्मरिक इज वेरी गुड एंटी इंफ्लेमेटरी. ओके जिंजर इज वेरी गुड एंटी इंफ्लेमेटरी. हमारी जो दादी नानी जो चीज हमें पढ़ाती थी जी वो नुस्खे जो वो बताती थी वो आज भी कायम है और आज भी कामयाब है. क्या बात है. This is very very true. And sir, to conclude this beautiful interview, I would like to give some advice or some tips to our viewers about back pain or about anything you like. Yeah, I'll tell them both about back pains and otherwise the whole body and also biologics. Bilkul. Please try. First of all, you know, it is your body. Take care of it. जितना आप अपने body को time देंगे उतना body आपको time देगी. Daily उठिए एक दिनचर्या बनाइए. वेरी टफ आज की बिजी शेड्यूल को देखते हुए लेकिन आप हर चीज के लिए टाइम निकालते हैं. शरीर के लिए टाइम निकालिए. प्रॉपर स्लीप, प्रॉपर फूड, प्रॉपर डाइट, प्रॉपर एक्सरसाइज कीजिए और आपकी बॉडी का जो हिस्सा है कोशिश करिए उसको रिटेन करें. ऑपरेशन चीर फाड़ कभी भी करवा सकते हैं आप. कोशिश करिए अपनी बॉडी को अपने आप हील करवाए. इसीलिए ऑर्थोबायोलॉजिस्ट का सिस्टम आज कल आया है एंड इन फॉरन देर आर मेनी मेनी पीपल हु आर प्रैक्टिसिंग दिस. वो अपने आप को नॉन ऑपरेटिव सर्जन कहते हैं, कंजर्वेटिव ऑर्थोपेडिक सर्जन कहते हैं एंड दे ट्राई टू रिकवर योर बॉडी बाय एक्सरसाइज, फिजियोथेरेपी, डाइट्स, काउंसलिंग सेशंस एंड थ्रू ऑर्थोबायोलॉजिक्स. तो वो सब चीज़ें हैं और कई बार देखिए इवन आई विल टेल यू स्ट्रेस स्ट्रेन आपको बैकअप कर देता है. तो कई बार डॉक्टर्स आपको एंटी एंग्जाइटी ड्रग्स भी देते हैं इसके लिए. So that is again, meditation is again very good. So maybe people will be thinking what is the guiding in orthopedic surgeon, but I am giving you a basket of things. Yeah, like this is the truest thing. Like yeah. This is the realist, you can say, yes. This is the reality. Yoga, meditation, exercise are yes. very very important. Very. And agar ye karte rahe to doctor ke paas chaare. Hamare paas aane ki zarurat nahi padegi. हमारे पास आएंगे तो वी विल ट्राई कि आपकी बॉडी को रिटेन करा जाए, उसको हटाया ना जाए. बट दिस इज वेरी नाइस कि आप ये सब बातें बोल रहे हैं एंड दिस इज द वेरी दिस इज वेरी गुड एंड थैंक यू सर. दिस वाज अ ग्रेट इंटरव्यू एंड वुड लाइक टू डू मोर इंटरव्यूज विद यू. थैंक यू सो मच फ्रॉम माय साइड एंड आई विश देम ऑल द बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ हेल्थ.